Thank you. Sit down, please. आज हम लोग बिंदु और रेखा की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है? किसकी? बिंदु और रेखा की। बिंदु और रेखा में एक बार बड़ी झगड़ा हो गया तेजी से। बिंदु ने कहा मैं बड़ी, रेखा ने कहा मैं बड़ी। अब समझ में नहीं आ रहा था कि कौन जीतेगा, कैसे क्या होगा। दोनों एक दूसरे के पीछे पड़े हुए थे। बिंदु अपनी बात कह रही थी, रेखा अपनी बात कह रही थी। रेखा ने कहा मैं बहुत लंबी हूं। बिंदु ने कहा कोई बात नहीं, मैं छोटी हूं पर मेरे से ही रेखा बनी। बिंदु रेखा हो क्या रहा है? तो भाई तय किया गया कि चलो देखा जाए कि बिंदु और रेखा में क्या है। तो हम लोग ने बिंदु को बुलाया, ठीक है? अब एक बिंदु के लिए कोई आएगा? चलो आ जाओ, कोई आ जाओ। बिंदु, अच्छा आ जाओ, बिंदु आ जाओ, पकड़ो इसे, ठीक है? ये रही बिंदु, ठीक है? बिंदु ने कहा अब देखो मैं कैसे जो है तुम्हें बनाती हूँ। पहले मैं हूँ, बाद में रेखा है। दूसरी आई, एक बिंदु के बगल में दूसरे बिंदु ने लिया, ठीक है? तीसरी आ जाओ जल्दी, चौथे जोड़ लो उसे, पांच ऐसी आते चले जाओ, पांच, ठीक है? उधर चले जाओ, उधर 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 जाओ, सब एक तरफ क्यों जा रहे हो? और जल्दी 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 और दौड़ो। सबको एक सिद्ध में रखना, ठीक है? ऊपर नीचे नहीं, अब देखो बिंदु, बिंदु ना, ठीक है? बिंदु 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 जोड़ के सब क्या हो गया? रेखा, ठीक है? बिंदु जोड़ के क्या हो गया? पॉइंट जोड़ के क्या बन जाता है? लाइन, ठीक है? पॉइंट किसको? बिंदु को कहते हैं, और लाइन रेखा, ठीक है? तो बिंदु ने कहा कि मुझे ही तो जोड़ जोड़ के रेखा बनी है, ठीक है? तो पॉइंट को जोड़ जोड़ के क्या बना है? रेखा, या लाइन, ठीक है? अब लाइन जो होती है वो दोनों तरफ बढ़ती चली जाती है, ठीक है? मान लो एक और कोई आया, उसने एक और लगा दिया, फिर एक और आया, फिर एक और आया, तो खूब सारे बिंदुओं से एक लंबी सी रेखा बन जाती है, ठीक है? रेखा इधर भी चली आ रही, रेखा उधर भी चली आ रही है। तो अगर हम लोग रेखा की बात करें तो रेखा दोनों तरफ बनती चली जाती है, बिंदु जोड़ते चले जाते हैं और रेखा बनती चली जाती है। तो हम लोग इतनी लंबी तो कोई चीज बनाते नहीं है, ठीक है? तो हम लोग क्या बनाते हैं? लाइन जो होती है दूर तक जाती है, तो हम लोग लाइन सेगमेंट बनाते हैं, यानी कि उसका एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, ठीक है? जैसे कि दो लोग हट जाओ, ठीक है? उधर से भी हट जाओ। मान लो एक पॉइंट का जो है हम लोग ने मान लिया एक सेंटीमीटर, तो अब ये लाइन बनी दो पॉइंट मिला के, कितने की? दो सेंटीमीटर की। तो ये लाइन सेगमेंट बनती जा रही है, लाइन का एक छोटा सा हिस्सा। अब ये हिस्सा 1 सेंटीमीटर हो सकता है, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, जितनी हमारी जरूरत होगी उसके हिसाब से हिस्सा बन सकता है। तो ये पॉइंट पॉइंट मिला के क्या बन जाता है? लाइन। ये लाइन सीधी भी हो सकती है और टेढ़ी भी हो सकती है, ऐसे ऐसे भी हो सकती है, गोलाई में भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, ठीक है? तो लाइन अगर जब सीधी होती है तो हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन, वरना क्या कहेंगे? कर्व्ड लाइन। अगर घुमाऊ हो तो क्या कहेंगे? कर्व लाइन। ऊपर नीचे हो रहा हो तो इसको कहेंगे ज़िगज़ैग लाइन, ठीक है? तो ये जो है हमारे पॉइंट से क्या बन रहा है?
लाइन बनी, लाइन से हम लोग ने लाइन सेगमेंट देखा, उसका एक हिस्सा, ठीक है, और उसकी लेंथ नापना भी सीख लिया, ठीक है। लाइए, थैंक यू। अब हमने कहा पॉइंट पॉइंट से ही लाइन बनी है, ठीक है, पॉइंट पॉइंट जोड़ के क्या बनी है, लाइन बनी है, बिंदु बिंदु से ही रेखा बनी है, ठीक है। अब ये रेखाएं जोड़ के या ये पॉइंट से रेखा बना के फिर रेखाओं को जोड़ के और नई नई चीजें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि मान लो हम लोग ने लाइन सेगमेंट तो ले लिया, एंगल के बारे में सुना है, एंगल क्या होता है, कोण कैसे बनता है, एक लाइन और दो लाइन ऐसे करके बन जाता है। चलो कोई पांच आओ, ठीक है, पांच आओ, ठीक है, इधर आओ, इधर बीच में बैठ जाओ, थोड़ा सीधा, ठीक है, और सबको बराबरी की, चलो करीब करीब आओ ना, करीब करीब आओ, करीब करीब आओ, बराबरी की हाइट तक ऐसे उठा लो, उल्टा 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 ऐसे उठाओ, ठीक है, सब अपने ऊपर, सर के ऊपर ऐसे उठा लो, ठीक है, एक हाइट पे, ठीक है, बाकी आओ, चार पांच और आओ, जल्दी 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 जल्दी, ठीक है, एक इधर आओ, ठीक है, ऐसे पकड़ो, दूसरे आओ, ऐसे पकड़ो, तीसरे आओ, ऐसे पकड़ो, चौथे उधर से जल्दी से आओ, क्या हो रहा है, ऐसे पकड़ो, इधर आओ, ऐसे टेढ़ा करके पकड़ो, हाँ ऐसे ऊपर की, और कोई आएगा, जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, चलो, और ऐसे करके, अब ये देखो हमारा क्या बन जा रहा है, एक कोण जैसे बन जा रहा है, ठीक है, ये कोण देखो छोटा सा है, ठीक है, न्यून कोण या एक्यूट एंगल, क्या कहेंगे, न्यून कोण या एक्यूट एंगल। अब इसके बाद चलो नीचे वाले एज इट इज, बाकी कोई और हो, इधर वाले नीचे वाले बैठे रहो, और आओ जल्दी से, जल्दी से तुम लोग आ जाओ, यहां तक झुक के बैठो, और जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी, टाइम नहीं, इसके ऊपर, ठीक है, और आओ जल्दी से, पांच लोग आओ, अब तीन और बचे हैं, और अब मैं भी आ जा रहा हूं, ये क्या बन गया, समकोण, लंब बन गया ना, 90 डिग्री बन गया, ये क्या हो गया, समकोण, ठीक है। अब वन 180 डिग्री वाला सीधी लाइन कैसे, सब बैठ जाओ, ठीक है, पहले ये हुआ फिर ये हुआ, अब सब एक लाइन में आ जाओ, तो ये क्या बन गया, देखो कितना 180 डिग्री होता है, ठीक है, कितना 180 डिग्री, ठीक है, अब ये तो हमारे एंगल हो गए, अब देखो हम लोगों ने क्या किया, पॉइंट से लाइन बनाई, ठीक है, उन्हीं से हम लोगों ने एंगल बनाया, ठीक है, ये पॉइंट जोड़ जोड़ के ही हमारी लाइन बनती है और उसी से हमारा एंगल बनता है, ठीक है,
इन्हीं लाइन, इन्हीं एंगल, इन्हीं पॉइंट को जोड़ जोड़ के विभिन्न प्रकार के अलग अलग चीजें बनती हैं, ठीक है। अब कुछ खुले मुंह की बनती हैं, कुछ बंद मुंह की बनती हैं, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार की चीजें बनती हैं। अब खुले मुंह के, जैसे मान लो हमने दो रेखा ली, ठीक है, एक ऐसे और एक ऐसे, तो खुले मुंह में हम लोग के क्या बने थे, एंगल। दो लाइन से हम बंद तो कर नहीं सकते, तो कम से कम तीन लाइन चाहिए तो हम बंद कर सकते हैं, ठीक है। तीन लाइन से क्या बन जाएगा, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ठीक है। अगर चार लाइनें ले लें तो ठीक है, चतुर्भुज का ही एक केस है आयत। इसमें चाहे तो ऐसा भी हो सकता था, थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है, पैलोग्राम कहते हैं, या हो सकता था सारे साइड इक्वल होते वर्ग, ठीक है, ऐसे ही करके बन सकता था। अब इनमें से ये सब हमने बंद करके बनाए, हो सकता है कि इनमें से कोई खुला भी होता, ठीक है, ये हो सकता है खुला होता, ये हो सकता है खुला होता। तो हम लोग के खुले भी कई तरह की चीजें बनती हैं और बंद भी कई तरह की चीजें बनती हैं। जैसे लोटा, बाल्टी, बाल्टी ऊपर से क्या है, खुली है। अब ऐसे कई आपके, जैसे बॉक्स ले लीजिए, बॉक्स ऊपर से क्या होता है, बंद होता है, आपने यूं हटा दिया, खोल दिया तो दरवाजा है। कई चीजें ऐसी होती हैं जो खुली हो, कई चीज ऐसी होती हैं जो बंद हो, पर सब किससे बन रहा है, इन्हीं पॉइंट और इन्हीं लाइन से बन रहा है, ठीक है। तो कई तरह के ये सारी चीजें तो एक ऐसी हैं, पर ऐसी बहुत सी तरह की चीजें होंगी जो आपके दिमाग में आती होंगी, ये भी बन सकता है, वो भी बन सकता है। आपने सोचा मैं पांच डंडे लेके बनाता हूँ, किसी ने कहा मैं छह डंडे लेके बनाता हूँ, किसी ने कहा मैं सात डंडे लेके बनाता हूँ, अलग अलग डंडों से जो मर्जी चाहे बनाते चले गए, ठीक है।